45,000 प्राइमरी और 15,000 मिडिल स्कूलों में न कंप्यूटर है न इंटरनेट है, लेकिन जो शिक्षक को दैनिक कार्य करना पड़ता है वो शिक्षक अपने मोबाइल से ही करता है। उसमें अगर बात करें तो आरकेएसएमबी का रिजल्ट सुनाना हो, डेली उपस्थिति भेजनी हो, शिक्षक की उपस्थिति भेजनी हो, बच्चों की उपस्थिति भेजनी हो, निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग करना हो कराना हो, और जो शाला दर्पण पे जो कार्य होते हैं, नित्य प्रतिदिन कार्य होते हैं, ये करने पड़ते हैं। तो इसके लिए सरकार द्वारा न तो कंप्यूटर है न इंटरनेट है, इस वजह से शिक्षक मोबाइल लेके जाता है और अपने खर्चे से यह सरकारी कार्य पूरे करता है। और अगर बात करें विभागीय आदेशों की, तो शिक्षक को अन्य कई व्हाट्सएप ग्रुपों में विभागीय आदेश मिलते हैं, उनकी वह अनुपालना करता है। अगर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा तो इसकी व्यवस्था कैसे होगी? शिक्षक तो ये चाहता है कि वह गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रहे। वहीं दूसरी ओर बात करें, अगर 55,000 BLOs लगे पड़े हैं जिसमें निर्वाचन विभाग का आदेश है कि वह अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकते। पूर्व में भी इस तरह के आदेश आए थे तो शिक्षकों ने अपने मोबाइल बंद कर दिया था, लेकिन उनको निर्वाचन आयोग द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। अगर शिक्षा मंत्री इस बात को पूर्णतः लागू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में उपलब्ध हो जाएगा, तो शिक्षक भी खुश रहेगा और बच्चों को पढ़ाई का समय भी मिल पाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने मोबाइल फोन विद्यालयों में ले जाने पर जो प्रतिबंध लगाया है, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उसका स्वागत करता है, क्योंकि राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने पहले से ही शिक्षकों से आह्वान कर रखा है कि 1 जुलाई 2024 से कोई भी शिक्षक एंड्रॉइड फोन्स विद्यालय में लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि फोन की वजह से बहुत सारे गैर शैक्षिक काम और अन्य अन्य कामों में अधिकारी और दूसरे लोग टीचर्स पे दबाव बनाए रखते हैं और उसका दुष्प्रभाव शिक्षकों के काम पर पड़ता है, शिक्षण पे पड़ता है। इसलिए विद्यार्थियों के हित में, शिक्षा के हित में हम ये चाहते हैं कि शिक्षक एंड्रॉइड फोन विद्यालय में लेकर के नहीं जाए। इसलिए हमारा निश्चय है कि 1 जुलाई 2024 से कोई भी शिक्षक फोन लेकर के विद्यालय में नहीं जाएगा।